हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से इस रूम में चैलेंज करने वाले हैं। बेसिकली मेरा रूम में है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा पास बेंच है। इस बेंच का जो लंबाई है 4 फीट है और इसका जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट है और मेरा जो लंबाई है 5 फीट 8 इंच है। और आज का जो हम चैलेंज करने वाले हैं, 24 घंटे इस बेंच में बिताने वाले हैं। देखना ये है क्या हम 24 घंटे ये छोटा सा जो बेंच यहाँ पे लगा हुआ है 4 फीट का, उसमें हम 24 घंटे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, यही आज का चैलेंज है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी कमाल का ये वीडियो होने वाला है। देखना ये है कि ये छोटा सा बेंच में हम 24 घंटे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो 7:17 हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7:17:30 है। हमको यहाँ पे एक दिन पूरी तरह से बिताना है। तो वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखना ये है कि 24 घंटे हम बिता पाते हैं या नहीं बिता पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस अभी सबसे पहला काम है कि इसमें जितना यहाँ पे रखा हुआ है सामान उसको सबसे पहले हटा के उसके बाद यहाँ अभी के लिए मेरा पास है 24 घंटे के लिए ये हमारा पास बेड बनने वाला है और ये बेंच बनने वाला है। तो गाइस पूरी तरह से बेंच यहाँ पे हम क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे चढ़ेंगे, एक बार यहाँ पे चढ़ जाएंगे तो सीधे हमको 24 घंटे के बाद ही उतरना है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरतमंद हमको जितना मतलब कि सामान चाहिए पानी पीने के लिए, यहाँ पे मेरे पास पानी है और कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पे कुरकुरे है, यहाँ पे इसको क्या चीज़ बोलते हैं जो भी है, और यहाँ पे मिक्सचर है। मतलब कि 24 घंटा में अगर हमको कभी भूख लगेगा तो हम यहाँ से मतलब कि खा लेंगे। बस इतना ही सा हम ले कर चल रहे हैं और कंबल हम एक ले लेंगे, उसमें हम मतलब कि यहाँ पे सोएंगे। तो चलिए अब इसमें हम चढ़ते हैं और चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। समझिए हैं अभी से हम इस बेंच में रहने वाले हैं 24 घंटा। तो 1, 2 एंड 3 अब हम बन गए हैं कैदी। तो गाइस ये सब हमको डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे मतलब कि बैठने उठने में। तो यहाँ पे मेरा पास रैंक है, बेंच में ही है, बेंच से उतरेंगे नहीं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, अभी खाएंगे नहीं तो इसको यहाँ, और पानी को भी रख देते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी ये सब का काम नहीं है। इस प्रकार से हम अच्छा तरीका से यहाँ पे ऐसे हम रह सकते हैं। अब मेरा मतलब कि लंबाई 5 फीट 8 इंच है, तो देख सकते हैं अगर हमको सोने का मन करेगा तो यहाँ पे सोएंगे तो देख सकते हैं पैर मेरा कितना बाहर निकल रहा है, देख सकते हैं। हमको ऐसा ही 24 घंटा बिताना है, आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे जब हमको ठंडा लगने लगेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आराम से जो ये कंबल है उसको हम तीर के ले ला सकते हैं। हमको यहाँ से उतरना नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है। हमको डर तो इस बात का लग रहा है जैसे कि अगर आपका बड़ा पलंग है या तो ये जो करवट होता है ये पलटता है, तो इस बात का हमको डर लग रहा है जैसे कि अगर हम सो गए तो यहाँ पे जाएंगे सीधे नीचे और इधर जाएंगे तो इधर सीधे नीचे, यही हमको मेन प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं क्या क्या समस्या होने वाला है यहाँ पे 24 घंटा बिताने में, क्योंकि काफ़ी है, चौड़ाई इसका 2.5 फीट है और लंबाई 4 फीट है, काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है इस छोटा सा जगह में 24 घंटा बिताने में। हमको गाइस बेड का हालत देख सकते हैं, सारा सामान हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, वहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे चार्जर रखा हुआ है और बेड का कुछ हालत इस प्रकार से है। और अभी जहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इसका जो ऊंचाई है वो 3.5 फीट से भी ऊपर है, तो हमको कुछ ऊँचा ऊँचा सा फील लग रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पे बेड है इसका हाइट जो है वो 1.5 फीट के ऊपर रहता है और इसका जो हाइट है वो 3.5 फीट से प्लस है, तो थोड़ा सा ऊंचा फील हो रहा है। सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं रूम का कुछ इस प्रकार से हालत है। इसी में 24 घंटा हमको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिताना है। कभी कभी अचानक से ऐसा होंगे तो माथा में भी चोट लग सकता है, आप लोग सारा कुछ समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिताना है 24 घंटा, काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंज है। बहुत दिन से सोच रहे थे ये चैलेंज करने के लिए, चूँकि रूम में ही है तो आज फाइनली ये जो चैलेंज को है वो शुरुआत हम कर दिए हैं। अब 24 घंटा रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं वो बाद की बात है, सारा कुछ वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ अभी इस बेंच में हमको रहे रहे
एक घंटा हो चुका है और यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं तो नीचे यहाँ पे कुछ बिछाया हुआ नहीं है, तो अभी पोजीशन मेरा यहाँ पे है तो धीरे धीरे हम उधर चल जाते हैं घसक के, ये हो रहा है मेन प्रॉब्लम। अब जब हम मतलब कि ये जो चैलेंज स्टार्ट करते हैं 12 घंटा को हो या तो 24 घंटा को हो, तो शुरुआत में करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि चलो धीरे धीरे टाइम बीतते जा रहा है और मेरा साथ जो यहाँ पे बीत रहा है वो अपना फीलिंग हम आप लोगों के पास शेयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि हम आप लोग को बता नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा कष्ट होने लगता है। जितना हम कैमरा में दिखाने सकते हैं उतना दिखा देते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये जो चैलेंजिंग होता है 12 घंटा 24 घंटा वाला, ये काफ़ी टफ चैलेंज हो जाता है, लेकिन आप लोग को उतना यहाँ पर कैमरा में पता नहीं चलता होगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल चैलेंज होता है ये सब। तो गाइस चैलेंज स्टार्ट किए थे हम 7 बजे शाम को और अभी का टाइम हो रहा है 10:22, मतलब कि हम दो तीन घंटा यहाँ पे हम आराम से निकाल दिए हैं। अभी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है, लेकिन हमको 24 घंटा बिताना है, अभी 21 घंटा और बचा हुआ है और यहीं पे हमको ये जो बेंच आप देख रहे हैं 4 फीट का बेंच, यहीं पे हमको बिताना है थोड़ा देर में, मतलब 2-3 घंटा। उतना ज़्यादा मतलब कि अभी पता नहीं चला है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मतलब कि पूरा कमर दर्द दे रहा है, पैर का काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है, क्योंकि पूरा हम ये जो है वो शरीर हम इसमें ले आ रहे हैं लेकिन जो पैर है वो बाहर निकल जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पैर दर्द दे रहा है। तो अभी जा रहे हैं सो जाने, क्योंकि अगर हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। जा रहे हैं अभी सोने। तो गाइस पता नहीं इसमें हमको नींद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमको डर इस बात का लग रहा है कि अगर पूरा तरह से नींद मेरा आ गया तो कहीं नीचे नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि रात में इतना बार इधर उधर करवट बदलता है कि हमको खुद भी पता नहीं है, लेकिन कभी अगर अचानक 2-3 बार अगर उधर चल जाए तो सीधे नीचे और अगर इधर आए तो इधर सीधे नीचे, इसी बात का डर है, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। जा रहे हैं सोने। बाय बाय, आप लोग भी सो जाइए। Few moments later. Good morning guys. सुबह का बज चुका है 6:56 और अभी तो हम बाहर नहीं दिखा सकते हैं कि सुबह हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि रूम में जो दिन में लाइट जलता है वही रात में भी जलता है, तो पता नहीं चलता है, और बाहर हम निकल के आप लोग को दिखा भी नहीं सकते हैं। और रात भर थोड़ा सा भी नींद, मतलब कि एक होता है सही तरीके से नींद आना, उस प्रकार से नहीं आया, और देख सकते अभी भी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। पता नहीं इसमें जो सनमाइका लगाया हुआ है वो थोड़ा सा छलकाहट तरीका से है, तो एक जगह पे मतलब कि बैठ के नहीं रह सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। नींद तो वैसे नहीं आया, लेकिन 12 घंटा मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और 12 घंटा भी और बचा हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम लग रहा है। एक ही स्थान में मतलब कि आप इधर भी नहीं जा सकते हैं और इधर भी नहीं जा सकते हैं, पूरा मतलब कि फिक्स जगह में 12 घंटा बिता लिए। यही है कि रात में मतलब कि सोने का एक मौका मिल गया है इसलिए मतलब कि टाइम बीत गया, लेकिन दिन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि दिन में तो आप सो नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको या तो मोबाइल छेड़ना है या तो आप लोग से बात करना है। तो चलिए अभी सुबह हो चुका है तो अभी खाना पीना मतलब कि यहाँ पर रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, चूँकि शाम में खा के और इस वीडियो को शुरुआत किए थे, तो अभी चलिए थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो गाइस खाने पीने से याद आया कि हम वीडियो शूट करने के लिए मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब कि जितना हमको ज़रूरी होता है उतना हम सामान लेके आते हैं, और मतलब कि टाइम टू टाइम जब जब भूख लगते तब तक खाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है तो भूख लगे या ना लगे लेकिन हम सारा सामान को पहले ही खा के ख़त्म कर देते हैं। पता नहीं ये आदत ख़राब है या तो खाने का मन करता है, वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए खा के थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू ये चैलेंज रहेगा, अभी रात का 7:30 का तब ये चैलेंज ख़त्म होने वाला है। और गाइस जो ये सब जो हम लोग चैलेंज करते हैं 12 घंटा का 24 घंटा का, तो बहुत लोगों का मन में डाउट रहता है कि एक नंबर और दो नंबर ये कैसे जाता है,
तो सिंपल सी बात है कि अगर 24 घंटे का ये जो चैलेंज हम लिए हुए हैं उसमें तो दो नंबर तो कंट्रोल कर ही लेंगे जैसे तैसे करके, क्योंकि रूम में तो बाथरूम है नहीं। और रहा बात एक नंबर का, तो एक नंबर हमारा रूम में काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं बोतल है, तो बोतल में हो जाता है। चैलेंज में ही हम लोग करते हैं, लेकिन चैलेंज के बाद ही मतलब कि वो सब हो जाता है, तो बोतल में हो जाता है। बहुत को कमेंट कर रहे थे पिछला वीडियो में कि एक नंबर आप कहाँ कर रहे हैं, दो नंबर तो 24 घंटे में कंट्रोल हो जाता है, एक नंबर बोतल में करते हैं, सीधा सी बात है। सुबह का 9:30 बज चुका है, अब एक ही जगह यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, और अभी भूख भी हमको काफ़ी तेज़ से लग चुका है। ये सब यहाँ पे जो मिक्सचर कुरकुरे रखा हुआ है इससे उतना ज़्यादा पेट नहीं भरता है, लेकिन अगर ये सब कम हम खाएंगे तो हमको दो नंबर भी मतलब कि नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ये सब कंट्रोल करके ही खाना पड़ता है, क्योंकि अगर दो नंबर आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और ये जो चैलेंज है वो मेरा टूट जाएगा। तो अभी 9:30 बज रहा है, अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम है यहाँ पे बिताने के लिए, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। अब यहाँ पे बोर हमको लगने लगा है एक ही जगह पे, मतलब कि कुछ इस पोजीशन पे, कभी ऐसा वाला पे तो होता है दिक्कत। जब हम इस पर खड़ा हो रहे हैं तो देखिए मेरा हाइट कितना लंबा हो जा रहा है, ये जो है छत है उस पर आसानी से हम टच कर पा रहे हैं। यहाँ जो फैन लगा हुआ है इसको हम हाथ से घुमा सकते हैं। ओ माय गॉड, ये होता है लंबा होने का फायदा। अब थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा ही हो रहा है, अब लग रहा है कि नीचे उतरे, यहाँ पे बेड लगा हुआ है उसमें सो जाए, बाहर का नज़ारा देखे कि धूप कैसे उगा हुआ है, कितना लाइट आ रहा है। तो गैस भूख काफ़ी तेज़ी से लग चुका है, खाना मतलब कि हम जो लाए थे वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और करीबन 15 घंटा हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ ही टाइम और यहाँ पे बचा हुआ है, और ये जो चैलेंज है काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ का हालत देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, और ये पोजिशन में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब बहुत ही ज़्यादा अब तकलीफ हो रहा है। जैसे चैलेंज कंप्लीट होगा सबसे पहले हम बाहर निकलने वाले हैं। गाइस यहाँ पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा है, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, तो आज हम ये जो कीबोर्ड का जो बटन है उसको आज काउंट करके देखने वाले इसमें कितना बटन होता है। इस प्रकार से मेरा टाइम भी मतलब कि वेस्ट हो जाएगा, टाइम भी बीत जाएगा और ये पता भी चल जाएगा। तो चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस कीबोर्ड में 114 बटन है पूरा, यहाँ पे हम काउंट कर लिए हैं। ये सब चैलेंज में क्या होता है कि शुरुआत में जब होता है तो स्क्रिप्ट हम थोड़ा बहुत तैयार रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद खाना खाना है, पानी पीना है, उसके बाद 24 घंटे में आप क्या कीजिएगा, मतलब कि कुछ भी मतलब सारा कुछ हो जाता है, फिर भी टाइम बच जाता है, आदमी जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लगता है, एक प्रकार से पूरा माइंड ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार से अभी हमको भी फील हो रहा है, हम क्या करें,
किस बारे में अभी हम वीडियो बनाए, आगे आगे वीडियो का लेंथ हम कैसे लंबा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पता नहीं ऐसा मेरा ही साथ होता है या तो सभी के साथ होता है जो वीडियो क्रिएट करता है। हमको ये फील हुआ तो हम सोचे बता देते हम। गाइज अभी हम एक एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे शीशा का ग्लास है, यहाँ पे 1-2 रुपये का सिक्का है और यहाँ पे पानी है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो पानी है इसको गिलास में हम डालने वाले हैं, पूरा भर देंगे, इसको पूरी तरह से भर देते हैं, गिरने नहीं। अब देखिए ये जो गिलास है पूरी तरह से भर चुका है, देख सकते हैं ये पानी है। अब ये जो पानी है इसमें अभी हम किसी भी तरह से अगर उंगली भी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये जो सिक्का है इसको डाल के भी देखते हैं। एक चला गया, अभी तक पानी नहीं गिरा है। 2 चला गया, अभी तक नहीं पानी गिरा है। 3, 4, 5 थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, देख सकते हैं। पूरा पानी हम भर दिए थे फिर भी यहाँ पे 5 जो है, ये जो पैसा का जो सिक्का है वो ले लिया है। अब पता नहीं कैसे, एक और डालते हैं। अब पानी गिरने लगा है, मतलब पूरा जो शीशा का गिलास है उसको भरने के बावजूद भी 5 सिक्का यहाँ पे ले लिया है। अब ऐसा कैसे हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको पता नहीं है, सिर्फ हम करके देख रहे थे तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे थे कि कुछ अलग अलग चीज़ आप लोग को दिखाते हैं करके। तो गाइस टाइम हो चुका है 7:15 और 31 तारीख। हम ये जो चैलेंज है वो 30 जनवरी को यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे और पूरी तरह से 24 घंटा होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचा हुआ है। हमको बिलीव नहीं हो रहा है, ये जो 4 फीट का जो ये बेंच आप लोग देख रहे हैं इसमें हम 24 घंटा पूरी तरह से बिता दिए हैं। सिर्फ अब कुछ ही मिनट रहा है, मतलब कि 7:44-45 में हम चालू किए थे और अभी कुछ टाइम बचा हुआ है। उतना ज़्यादा ये जो चैलेंज था वो मुश्किल नहीं था, लेकिन एक वो मन में होता है कि ये चैलेंज करके देखते हैं, इतना चैलेंज हम किए हैं, लेकिन उससे मतलब कि थोड़ा सा ये इजी हमको लगा है, क्योंकि बैठ के सूत के सारा सुविधा यहाँ पे है, खाने पीने का सारा सुविधा है, उतना ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन एक होता है कि ये चैलेंज करके देखते हैं, तो उसी में से एक ये था। थोड़ा टाइम और बचा हुआ है, उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड। तो फाइनली गाइज टाइम हो चुका है 7:44 और यही 7 बजे हम चैनल को स्टार्ट किए थे और पूरा 24 घंटा हो चुका है। 24 घंटा हम इसी बेंच में बिताए हुए हैं, लेकिन ये चैलेंज करने में हमको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, चूँकि उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ और वीडियो के अपेक्षा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। अगर आप लोग को भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमाल का नया चैलेंज वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।